बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनीला एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गौहर पब्लिशर्स। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम पेज नंबर 71 ऑफ गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3। ऑन पेज नंबर 71 द टाइटल इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ व्हाट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लेट्स लर्न अबाउट इट। What happens when the numerator and the denominator of a fraction are multiplied by the same number except zero? आपको पता है कि जब जीरो के साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो होता है। So we are not going to multiply it with zero. लेकिन अगर हम किसी फ्रैक्शन को दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनको एक ही नंबर से, जैसे हम यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस शेप, 3, जिसमें से कितने कलर थे, 2, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस शेप, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, कितने कलर्ड हैं, 4, 4 हमारे पास कलर्ड पार्ट थे 6 में से। When the numerator and denominator are multiplied by the same number except zero, we get an equivalent fraction. The same part portion of the shape is shaded. किसी भी शेप का, जब different shapes का same part shaded हो तो हम उसे कहते हैं कि ये एक equivalent fraction है। अब इसको मज़ीद explain करने के लिए हम एक example देखते हैं। Now look at the squares. आपने इन squares को देखना है। The shaded part of each square is the same, but their fractions are different. इनका shaded part सबका same है। आप देख रहे हैं कि इसमें भी half part पूरी shape का shaded है, इसमें भी half part है shaded, this one and this one. इन सबका same shaded parts है, ठीक है? लेकिन इनकी fractions ये सब देखें आप, 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8, all are different. Every fraction is showing that half of the square is colored. Such fractions are called equivalent fractions. इस तरह की सब फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 3.4। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 = 2 and 2 × 2 = 4, लेकिन आप स्टिल देखें दोनों ही शेप्स का हाफ पार्ट शेडेड है। मूव टू द नेक्स्ट वन, 1/3, इसको 1 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, एंड वी आर गोइंग टू गेट द आंसर, 1 × 3 = 3 and 3 × 3 =, वेरी गुड, इट्स 9। एंड यू कैन सी स्टिल, अगर हम देखें कि ये दोनों फ्रैक्शंस अब हमारी डिफरेंट हैं, बट इन दोनों शेप्स के इक्वल पार्ट्स, ये देखें इक्वल पार्ट्स इसके शेडेड हैं, ठीक है। दीज आर योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ यू आर गोइंग टू डू थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बाय योर सेल्फ एंड देन यू आर गोइंग टू चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन पेज नंबर 72, बी पार्ट इज राइट इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट टू डिस्क्राइब द फ्रैक्शन इन ईच पेयर। आपके सामने जो शेप्स बनी हुई हैं इनमें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट को देखें तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1, 2, 3 and 4, देयर आर 4 पार्ट्स और उसमें से कलर्ड कितने हैं, 1, 2 and 3, 3/4, और दूसरी आपकी शेप के कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आर टोटल एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर कलर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आर कलर्ड। अब आप इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में देखने के लिए, इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद वन नंबर, अगर आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आर यू गोइंग टू गेट दिस अदर फ्रैक्शन, या अगर आप इसमें शेप में देखें तो इसका आपको लगता है कि इक्वल पार्ट अनकलर्ड है और या शेडेड पार्ट इक्वल है, इट इज द सेम। टू बी मोर श्योर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 3/2 and 4, हमने सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन वी आर गोइंग टू गेट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज
सिक्स एंड फोर मल्टीप्लाई बाई टू इज एट. सो अगर हम इस तरह से एक ही नंबर से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करके सेम जो आंसर हमें मिल रहा है वो अगर हम इसके ऊपर इक्विवेलेंट है हमारा, देन वी आर गोइंग टू से दैट इट इज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो यू आर गोइंग टू राइट ई फॉर दिस और इक्विवेलेंट इफ यू हैव स्पेस इनफ. देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस शेप? 1, 2, 3, 4. फोर पार्ट्स. सो वी आर गोइंग टू राइट फोर लाइक दिस. और कलर्ड कितने हैं? वेरी गुड, इट्स जस्ट वन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी पार्ट्स आर इन टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दीज आर 8 पार्ट्स. और कलर्ड कितने हैं? 1, 2, 3. 3 है, ठीक है. नाउ लुक एट दिस. आप पहले इसको ऐसे देखें कि ये इतना पार्ट इसका कलर्ड है और ये इतना. आर दिस इक्वल? आपको लग रहा है कि ये इक्वल है? वेरी गुड, यू कैन सी दैट दीज आर नॉट इक्वल. सो वी नो दैट दीज आर नॉट नॉट इक्विवेलेंट, बट वी आर गोइंग टू ट्राई दिस. अगर हम इन दोनों को सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 2 के साथ ही ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई 2. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, क्या आंसर होगा? इज इट 3? नो, इट इज अगेन 2. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर होगा. एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, ठीक है. तो आपका आंसर, क्योंकि दोनों ही एक नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम नहीं आए, डिफरेंट है, ये वाला आपका चेक नहीं हुआ, इस पर फिल नहीं हुआ आपका, तो आप इसको नॉट इक्विवेलेंट यानी कि आप यहाँ पे एन ई लिखते हैं, ठीक है. नाउ यू आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी. यूज द सर्कल्स टू कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आपने इन सर्कल्स को काउंट करना है, यूज करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का लिखने के लिए. लेट्स डू द फर्स्ट वन. कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4. 4 लिख दिया. एंड हाउ मेनी आर कलर्ड? 3. 3 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर. एंड इन दिस हाउ मेनी पार्ट्स आर टोटल? 8 हमें उन्होंने नंबर दिया हुआ है. एंड हाउ मेनी आर शेडेड? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 आर शेडेड. वी हैव कंप्लीटेड दिस. नाउ यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, द पार्ट डी. ऑन पेज नंबर 73, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर अ गिवन फ्रैक्शन. आपने सबसे पहले, द गिवन फ्रैक्शन इज 2/3. उसके लिए हम पहले इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स थिंक अबाउट दैट नंबर कि ये हम इसको फिलहाल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. आपको पता है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. द आंसर इज गोइंग टू बी 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद अनदर नंबर. लेट्स ट्राई दिस टाइम 3. अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को भी हम 3 से करेंगे और 3 को भी 3 से करेंगे. 2 टाइम्स 3 या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज येस, इट इज 6. एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9. नाउ लेट्स डू इट विद एन अदर नंबर. दिस टाइम वी कैन ट्राई 4. 2 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4. 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 12. दैट इज नाउ 4/6, 6/9, 8/12. दीज आर योर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर अ गिवन दिस वन फ्रैक्शन. नाउ यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट एंड देन चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ई. कंप्लीट द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आपने इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कंप्लीट करना है. 2/3. अब आप ये देखिए 6 हमारे पास लिखा हुआ है, तो 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आंसर आता है? गुड, इट इज 2. 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6. सो हमने ऊपर का जो न्यूमरेटर भी है उसे भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट 4. नाउ दिस इन दिस वी हैव 6 न्यूमरेटर. अब हम 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 न्यूमरेटर मिलेगा? वेरी गुड, इट इज
3, 2 multiply by 3 is 6. So, हमने 3 को भी same number से multiply करना है. 3 multiply by 3 is 9. We are going to do the last one. Now, we have 12. अब 3 को किस number से multiply करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा. Let's read the table. 3, 1 times 3 is 3. 2 times 3 is very good. It's 6. 3 times 3 is 9. 4 times 3 is 12. 3 multiply by 4 is 12. So, we are going to also multiply 2 with 4. The answer is 2 fours are 8. That is how we are going to do it. Now, you are going to do the rest and then check your answers from the screen. I hope you have understood the concept. Allah Hafiz.